फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं। पुलिस थाना टोंक खुर्द के अपराध क्रमांक 64/2024 धारा 302 भादवी के प्रकरण में अज्ञात आरोपी का खुलासा कर दिया। आला जरम बरामद करना पुलिस थाना टोंक खुर्द में दिनांक 17/2/2024 को ग्राम सालमोदी के रहने वाले अरुण शर्मा की किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कुल्हाड़ी से देर रात को जानलेवा हमला किया गया था, जिसकी दौरान इलाज दिनांक 18/2/2024 को मौत हो जाने से अपराध क्रमांक 64/2024 धारा 302 भादवी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर प्रकरण में अज्ञात आरोपी की पतारसी है। तो पुलिस अधीक्षक देवास श्री संपत उपाध्याय के वाद्रा कड़ाई से दिए गए निर्देशों के पालन में तथा इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयवीर सिंह भदौरिया एवं SDOP PN गोयल एवं संजय शर्मा के मार्गदर्शन में उनका अपराध में अज्ञात आरोपी की पतारसी हेतु थाना प्रभारी उपनिरीक्षक चेतन यादव को दिए गए निर्देशों के पालन में उपनिरीक्षक चेतन यादव द्वारा अपनी टीम के साथ सदर अपराध में अज्ञात आरोपी की तलाश में ग्राम सालमखेड़ी में रात दिन रुककर अपनी टीम व मुखबिर तंत्र को उक्त घटना की पतारसी में लगाया था। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम सालमखेड़ी का राजकुमार पिता धीरज सेंधव, जिसकी घटना दिनांक से ही मोबाइल फोन बंद आ रहा है एवं गाँव में दिख भी नहीं रहा, जिसको पुलिस द्वारा पकड़कर काफी हिकलत अमली एवं विश्वास में लेकर पूछताछ करते आरोपी राजकुमार पिता धीरज जाति संभव उम्र 20 साल निवासी ग्राम सालमखेड़ी के द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 17/2/2024 को अरुण महाराज जो तारिक विद्या एवं जादू टोना जानता था एवं मुझे आशंका थी कि अरुण महाराज द्वारा ही जादू टोना करके मेरे माता पिता की मृत्यु हुई है। जैसा कि सर आपने बताया कि मृतक तांत्रिक विद्या और तांत्रिक इस तरह के कार्य क्रियाकलाप करता था, तो इसमें आपने जांच में कुछ इस तरह का कुछ पाया कि उसने इसके पूर्व में भी तंत्र विद्या से किसी की जान ली या किसी को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की? ऐसा तो संज्ञान में नहीं आया है कि इनकी तंत्र विद्या से कोई मौत हुई और यहाँ थाने पर इस तरह की कोई रिपोर्ट आई है, ऐसा तो अभी तक रिकॉर्ड में नहीं है। लेकिन गांव से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि छोटी छोटी जो समस्याएं गांव में आती हैं और इन पर जादू टोना या तंत्र विद्याओं पर लोग भरोसा करके उससे जो है इसका निराकरण करवाते हैं, इन लोगों के पास जाते हैं जिससे कोई समस्या हो उसका समाधान हो सके। तो इस तरह की आम शोहरत तो है कि अरुण शर्मा इस तरह की कृत्य किया करते थे। खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।